हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम आरसीएम एंट्रीज देखेंगे। जो भी एंट्रीज हम 93 सेक्शंस और 94 सेक्शंस में हम करते हैं रिवर्स चार्ज की, उसको आप कैसे न्यू वर्जन में टैली का जो 6.2 रिलीज है उसमें आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, वो सारी एंट्रीज आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जीएसटी को एक्टिवेट करना होगा और इसमें थोड़े से फीचर्स हमारे चेंज हुए हैं, तो उसको हम कैसे इसमें यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना है। F11 आप प्रेस करेंगे स्टैचुरी एंड टैक्सेशन पे आके, यहाँ पे आपको जीएसटी एक्टिवेट करना होगा। तो आप एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आपको यहाँ पे यस करना है। देन यहाँ पे स्टेट हम ले लेंगे, अपना जीएसटी नंबर आप लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन यस करना है, अनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन को अनेबल करना होगा, इसको आप यस करेंगे। देन आपने इसको एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे हम सेक्शन 9.4 की बात करते हैं और सेक्शन 9.3 की बात करते हैं, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज हम पे एप्लीकेबल होता है और ऐसा 13th of October तक है, क्योंकि आफ्टर 13th of October टू 31st March 2018 तक आरसीएम जो है वो सस्पेंड हो चुका है। तो इसमें जो आपने 1st July से लेके 13th October तक जो एंट्रीज करनी है उनको आप इस न्यू रिलीज में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद मैं 13th October के बाद जो भी एंट्रीज हमें करनी है, कैसे हमें एंट्रीज पास करनी होंगी रिवर्स चार्ज की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम करते हैं जिसमें हमने 1st July से लेके 13th of July तक कैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यूज करना है 6.2 रिलीज में। तो यहाँ पर हमने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को हम यहाँ पे परचेज करेंगे थ्रू अनरजिस्टर्ड डीलर, और उसमें रिवर्स चार्ज कैसे एप्लीकेबल होगा और वो रिपोर्ट्स हमारी कैसे रिफ्लेक्ट होंगी वो मैं आपको यहाँ पे शो करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे F9 परचेज वाउचर्स पे आएंगे और यहाँ पे हमने 1st of July एंट्री करनी है 1st of July में। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मल रजिस्टर्ड लोकल अनरजिस्टर्ड डीलर है, अमन लोकल अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे हम ले लेंगे पार्टी का नाम और यहाँ पे आपने एक परचेज का लेजर क्रिएट कर लेना है, अंडर परचेज अकाउंट आप ले लेंगे इसको। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेके इसको आपने एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम में आप यहाँ पे कोई भी आइटम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मोबाइल बनाया, यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे आपको यूनिट्स में लेना है और सेट ऑर्डर जीएसटी डिटेल्स में आप यहाँ पे कोड्स ले लेंगे और यहाँ पे आपने टैक्सेबल लेके इसको यहाँ पे हम ले लेते हैं 12% और इसको यहाँ पे हम टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है वो मैंने 100 क्वांटिटी ली है और जिसमें मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ अमाउंट लिखा, तो यहाँ पे मेरी अमाउंट बनी 1 लाख रुपीज़। ऑल्ट ए करके हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टैक्स जो है 12,000 यहाँ पे मेरा कैलकुलेट हो चुका है और अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये रिवर्स चार्ज में मेरे पास आ चुका है। तो इसको हम 1 लाख, इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, 5,000 से अबव की अगर लिमिट होगी तो आपने उस पर आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ऐसी एक एंट्री और मैं कर रही हूँ, अमन लोकल अनरजिस्टर्ड डीलर को ही परचेज भी हम एंट्री करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं मोबाइल ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने 10 मोबाइल्स लिए और 100 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 1000 रुपीज़ की अमाउंट बन रही है। इसको मैं ऑल्ट ए करके प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे अभी ये मेरे पास आ रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, ये मेरे पास अभी भी रिवर्स चार्ज में शो कर रहा है, बट हमारी वन डे है उसमें हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 रुपीज़ है। तो उस केस में ये जो 1,000 है ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आपसे मॉडिफिकेशन में यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर पूछेगा तो आपने यहाँ पे ले लेना है परचेज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे आप ले लेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जब हम ऑल्ट ए करके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा था वो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो हमारी कम है, 5,000 टैक्स नहीं, मतलब इसमें नहीं बन रहा है
जो टोटल हमारा इनवॉइस है तो उस पे हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट लेते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो लास्ट में आपसे पूछेगा कि एक्सेप्ट करना है ओवरराइड करना है, तो आपने यहाँ पे ओवरराइड के लिए ओ प्रेस कर देना है, देन आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए इन दोनों जो मैंने अभी एंट्रीज किए इनका क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये कहाँ पे हमें शो करेंगी, आप डी ओ जी टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी GSTR-2 रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने दो एंट्रीज की हैं वो हमारी कहाँ पे शो कर रही हैं। सबसे पहले देखिए मेरी फर्स्ट एंट्री जो मैंने 1000 रुपीज की, जो मैंने सेकंड एंट्रीज की थी वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है नील रेटेड इनवॉइसेस में। ऐसा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये मेरी एग्जाम थी, मैंने इसको एग्जाम में लिया था क्योंकि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी वो 5000 रुपीज थी और वो मेरी यहाँ पे 5000 से कम थी। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये अमाउंट शो हो रही है वो मेरी यहाँ पे 1000 रुपीज नील रेटेड में शो हो रही है, और जो 1 लाख की अमाउंट थी जिसपे मेरा 12000 रुपीज टैक्स बनता था वो मेरा यहाँ पे URD परचेजेस में शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे URD परचेजेस आपको शो हो रहा है, एंटर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है बैलेंस लाइबिलिटी ITC टू बी बुक्ड। इट मीन्स कि मेरे को ये 12000 रुपीज की जो लाइबिलिटी है वो मेरे को बुक करनी होगी। तो यहीं पर हमें लाइबिलिटी को बुक करने के लिए ऑल्ट प्लस जे प्रेस करना है। आप यहाँ पे ऑल्ट जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू फ्लैग आया है जिसमें हमारे पास दोनों टाइप के ऑप्शंस हैं, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले हम क्या करते थे, पहले टैक्स लायबिलिटी की एंट्री अलग से पास करते थे, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी एंट्री हमें अलग से पास करनी होती थी। बट अगर हम यहाँ पे एक ही साथ एक ही फ्लैग को सिलेक्ट कर लेंगे तो हम यहाँ पे एक साथ दोनों चीज कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आप दोनों फ्लैग इसको एक साथ वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा जो है ये लोकल था तो इसमें CGST SGST लगना चाहिए, तो यहाँ पे हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे CGST के, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST सेंट्रल टैक्स, ये देखिए यहाँ पे हमने लिया। अब यहाँ पे रेट कितना है, CGST 6% रेट है और अमाउंट कितना था टोटल 12000, तो टैक्सेबल वैल्यू मेरी कितनी है 1 लाख है। टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख पे मेरा टोटल 12% लगा है तो 12000 अमाउंट बना है, CGST मेरा 6% है 1 लाख रुपीज पे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6000। यहाँ पे दोबारा से हम डेबिट लेंगे और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे SGST का अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स, देन आपने इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर भी सेम आपने 6% लेके 1 लाख टैक्सेबल वैल्यू लेनी है और यहाँ पे हमने 6000 ले लेना है। अब देखिए 12000 हो गया, अगेन यहाँ पे CGST आपने लेना है एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमें 6000 ले लेना है और उसके बाद SGST यहाँ पे 6000 अपने आप आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंट्री है मेरी एडजस्टमेंट एंट्री, ये मेरी लास्ट में 31 जुलाई को अपने आप ही बाई डिफॉल्ट आपकी 31 जुलाई को ही ये एंट्री होगी क्योंकि हमने डायरेक्टली स्टैट एडजस्टमेंट अपनी वही GSTR-2 वाली स्क्रीन से ही किया है। यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड GST डिटेल्स, यस, टाइप ऑफ इनपुट, किस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है आपको, कैपिटल गुड्स का, गुड्स का या सर्विसेज का, तो मोबाइल हमारी क्या है गुड्स है तो आपने यहाँ पे गुड्स लेके इसको एक्सेप्ट करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटी बुक्ड जो थी यहाँ पे टू बी बुक्ड वो अब यहाँ पे बुक हो चुकी है, तो यहाँ से आपका नील हो जाएगा और ये हम लाइबिलिटी को बुक कर चुके हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एंट्री मेरी जो URD परचेजेस है वो मेरी यहाँ पे जीरो हो चुकी है और जो मैंने एंट्री अभी की है वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है 1 लाख रुपीज में 12000, ये मेरा B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस में शो हो चुका है, बिजनेस टू बिजनेस अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस में मेरे पास यहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो ऐसे हम एंट्री करेंगे गुड्स की, अगर हमें ऐसे करनी है तो हम गुड्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे एंट्रीज पास करनी होंगी। अब ऐसे ही ये जो मैंने सेक्शन की बात की, ये 9-4 सेक्शन की मैंने बात की है, जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया है। अब हम सेक्शन 9-3 की बात करते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें अभी भी रिवर्स चार्ज जो है वो एप्लीकेबल है। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन जो आपके चार्जेस होते हैं वो हो गए, लीगल एक्सपेंसेस हो गए, उन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपको यूज करना होगा। तो उसको आप कैसे इसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, कैसे एंट्रीज पास करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, ये मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखिए सारे लेजर्स हैं हमारे पास जिसमें हमारे पास जो हमारा GTA होगा वो हमारा रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लोकल रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लोकल अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, इंटरस्टेट भी हो सकता है। तो हर एक टाइप का लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले F9 परचेजेस में हम एंट्री कर रहे हैं
और यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले रिहान ट्रांसपोर्टर लोकल रजिस्टर्ड डीलर, हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे हमने परचेज लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें सर्विसेज लेनी है, क्योंकि हमने सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज हैं, तो हमें यहाँ पे इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑल प्लस आई प्लस कर देंगे। और यहाँ पे हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप ले लेंगे इज जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल। यहाँ पे हमें टैक्स फिक्स करना है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में, तो आपने यहाँ पे वो फिक्स करना है। और यहाँ पे आप डिटेल्स दे देंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको अभी नॉट एप्लीकेबल ही लेना है, तो यहाँ पे हम टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेते हुए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आना चाहिए रिवर्स चार्ज, हमें यहाँ पे इसको एप्लीकेबल करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है यहाँ पे F12 प्रेस करना है, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, तो आपने इसको येस कर देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप येस करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो ट्रांसपोर्टेशन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, आप इसको येस कर देंगे। और यहाँ पे हम टैक्स फिक्स कर देते हैं 5%, और आपने इसको फिर टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज लेते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है 750 और 1500 की लिमिट का। लास्ट वीडियोस में मैंने जो भी रिवर्स चार्ज की एंट्रीज बताई हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है ये सारा जो सिस्टम है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो इनवॉइस है वो मोर देन 1500 का होना चाहिए, उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज इससे कम 750 से अगर कम का इनवॉइस बनता है तो आपका रिवर्स चार्ज में वो एप्लीकेबल नहीं है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो आपकी एग्जेम्प्ट परचेजेस हो जाएगी। तो देखिए हम जैसे अगर यहाँ पे हम मान लीजिए रिहान ट्रांसपोर्टर से यहाँ पे हम 500 रुपीज का अमाउंट लेते हैं, या हम यहाँ पे 400 रुपीज का अमाउंट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास परचेज टैक्सेबल शो कर रहा है। आपने यहाँ पे ले लेना है परचेज एग्जेम्प्ट। ये देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, यहाँ पे हम परचेज एग्जेम्प्ट ले लेंगे, ऑल्ट ए करके आप प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स शो नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी टैक्स शो नहीं हो रहा, और हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ओ करके हम ओवरराइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री की है 750 से कम की। अब सेम यही ट्रांसपोर्टर को मैं एक और एंट्री पास करती हूँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ही लेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैं जो अमाउंट ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 3000 रुपीज, और ये मेरी जो है परचेज टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ टैक्स ये हमारे रिवर्स चार्ज में आ जाएगा, और आप इसको सेव कर देंगे। अब इन दोनों एंट्रीज का क्या रिफ्लेक्ट होती है ये एंट्रीज, ये हम चेक करते हैं स्टेचुरी रिपोर्ट्स में जीएसटी में GSTR-2 में आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एंट्रीज मेरी कहाँ पे शो हो रही है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास B2B इनवॉइसेस में यहाँ पे ये शो करिए 3150, और यहाँ पे मेरे पास ये शो करिए रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई में। देखिए 150 जो मेरी 3000 पे टैक्स लगा है, और 5% जो मेरा 3000 पे टैक्स बन के आया है वो मेरा 150 आया है, और जो मैंने 500 की एंट्री की है वो मेरी यहाँ पे नील रेटेड इनवॉइसेस में इधर शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्जेम्प्ट में शो हो जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्जेम्प्ट लिया था, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास लोकल रजिस्टर्ड ये मेरा एग्जेम्प्ट में शो कर रहा है। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है जिसमें हम अनरजिस्टर्ड डीलर को इनवॉइस हमें मिलेगा अनरजिस्टर्ड डीलर से, लोकल अनरजिस्टर्ड डीलर। तो यहाँ पे हम स्टार ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दिए, इसमें भी मान लीजिए मैंने जो अमाउंट किया 400 और परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमें लेना है वो हमें लेना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये हमारा एग्जेम्प्ट है 750 से कम है, तो आपने इसमें एग्जेम्प्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। और देखिए ये भी हमारा ओवरराइड कर देंगे इसको भी हम, सेम इसी पार्टी से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एक और इनवॉइस हम बना रहे हैं 3000 रुपीज का, ये हमारा रहेगा इसमें परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, क्योंकि ये मेरा अमाउंट जो है वो
15 मिनट से ज़्यादा है तो आप इसको देखिए यहाँ पे हम ये रिवर्स चार्ज में आ जाएगा आपके पास और आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए ये जो दो एंट्रीज मैंने किए इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, डिस्प्ले में आप आएंगे GSTR-2 पे चेक करते हैं। ये देखिए Alt F1 से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए रिवर्स या सप्लाईज में मेरे पास 3000 पे ये आ रहा है, B2B इनवॉइस में आ रहा था जो रजिस्टर्ड वाला था लोकल रजिस्टर्ड था, और ये अनरजिस्टर्ड वाला ये मेरा रिवर्स चार्ज सप्लाईज में आ रहा है, और यहाँ पे मेरा रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई मेरी टोटल 300 रुपीज हो गई है, 150 पहले वाली की और 150 अब की। तो अब दोबारा से हम देखते हैं, एक और हम एंट्री देखते हैं जिसमें हम इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर को, इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर की हम ले रहे हैं एंट्री, जिसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन का जो इनवॉइस मिल रहा है वो हमें इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर से मिल रहा है। तो हम साइड ट्रांसपोर्टर इसको लेते हैं और इसमें भी सेम फॉर्मेट है जैसे हमने एंट्री की है, इसमें मैं अमाउंट ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, ये देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट आप यहाँ पे ले लेंगे, और एग्जेम्प्ट जैसे ही आप लेंगे तो टैक्स तो वो आपका कैलकुलेट करेगा नहीं और आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अगेन यहाँ पे एक और एंट्री कर देते हैं जिसमें हम अमाउंट ज़्यादा ले लेंगे, इंटरस्टेट रजिस्टर्ड डीलर ही ले लेते हैं, और इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लेके 3000 की सेम एंट्री मैं ले रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ही आ रहा है तो हम यहाँ पे लेते हैं, और ये भी हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज ही है और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट होने के बाद ये दोनों एंट्रीज का क्या इम्पेक्ट होता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में GSTR-2 में देख लेते हैं। तो Alt F1 यहाँ पे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास रिवर्स चार्ज सप्लाईज में ये दो एंट्रीज आ गई हैं जो मेरे पास इंटरस्टेट की हैं, वो भी देखिए यहाँ पे ये मेरा इंटीग्रेटेड टैक्स में शो कर रहा है, ठीक है। ITC अवेलेबल इंटीग्रेटेड टैक्स की मेरी इतनी है, सेंट्रल टैक्स की इतनी है, और ITC अवेलेबल मेरी यहाँ पे सेंट्रल टैक्स की इतनी बन रही है। अब देखेंगे हम टोटल मेरे पास कितना हो गया है, जो नील रेटेड में एग्जेम्प्टेड में मेरे पास कितना आ गया है 2200 हो चुका है। देखिए 4 इनवॉइसेस जो थे जो मेरे एग्जेम्प्ट थे वो मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारी टोटल कितना हमारा बचा है रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, वो 450 रुपीज। इट मीन्स कि ये मेरी एडजस्टमेंट है जिसको मुझे अभी एडजस्ट करना है, ये मेरे को लाइबिलिटी को बुक करना होगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगर तो लाइबिलिटी ITC टू बी बुक्ड यहाँ पे हमारे पास आ रही है 450 रुपीज़, और यहाँ पे 6000 रुपीज़ पे 150 रुपीज़ हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे आप एंट्रीज को ऐसे पास करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लाइबिलिटी को बुक करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे Alt प्लस J, ये मेरे को लाइबिलिटी बुक करनी होगी, और यहाँ पे हम वही सेम फ्लैग ले लेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, और यहाँ पे हमें ले लेना है। अब तीनों हमारे पास हैं, CGST हमने ले लिया 2.5% है हमारा 6000 पे, तो यहाँ पे मेरा 150 आ गया। दोबारा से डेबिट हम कर देंगे SGST को 2.50, ये हमारा 150 आ गया। अब हमारे पास एक और था IGST, ये हमें बनाना पड़ेगा IGST का, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेते हैं GST इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5% और अमाउंट हमारी 3000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हमारे पास 150 आ जाएगा। अगेन सेम हम इसको ₹150 CGST, उसके बाद यहाँ पे मिलेंगे IGST 5% 3000 पे,
150। तो देखिए ये हमारी प्रॉपर एंट्री है जो हमने एडजस्ट कर दी है, और ये एंट्री एडजस्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ जो लाइबिलिटी थी वो बुक हो चुकी है। आपने अच्छे से ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, इसमें अगर कोई भी आपसे गलती हो जाती है, तो आपकी यहाँ पे माइनस में कुछ अमाउंट्स आ जाती हैं। मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरी टोटल जो मेरी जो होनी चाहिए थी एक्चुअल में लाइबिलिटी बुक, वो लाइबिलिटी बुक नहीं हुई है, तो आपने टोटल इतनी लाइबिलिटी बुक कर दी है। अब हमें 450 की अमाउंट को पेमेंट भी करना होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम जो ये हमारा लास्ट में लाइबिलिटी बनती है उसकी हम कैसे पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज के अंडर। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप इतना करके देखिएगा। और ये देखिए हमारे पास सारी रिपोर्ट्स जो हैं GSTR-2 में ऑल टैप 1 से आप इसको देख सकते हैं, ये प्रॉपर रिपोर्ट्स हमारी बन जाएंगी। और हमारे पास देखिए लाइबिलिटी बुक होने के बाद रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई हमारी जीरो हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सारा शो करेगा सारा डेटा, कौन से आपकी रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई हैं, B2B इनवॉइसेस हैं, B2B अनरजिस्टर्ड इनवॉइसेस हैं, ये सारा प्रॉपर आपके पास शो हो जाएगा। करके देखिएगा, कोई भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।